देश का इकलौता ऐसा डिपो जहां पर चालक के साथ साथ कंडक्टर यानी सब कुछ जो है आपको दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर महिलाएं ही हैं। तो आप सीधे साफ तौर पर देखेंगे कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो लगातार यहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। आपको बता दें कि शनिवार का दिन था और शनिवार के दिन से ये लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं और इनका ये कहना है कि दरअसल ये जो है अस्थायी नौकरी चाहती हैं और पिछले कई सालों से ये इसी तौर पर काम कर रही थी, लेकिन अब अचानक से ये स्ट्राइक पर चली गई हैं और इनका ये कहना है कि जैसे पक्के वेतन कर्मी हैं उन्हीं की तरह से इनको अस्थायी किया जाए और इनको वो तमाम सुविधाएं दी जाएं जिन सुविधाओं के लिए वो लगातार मांग करते आ रहे हैं। तो अमूमन ये तब से घटना हुई जब इस सखी बस डिपो का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के बाद महिलाओं ने अपनी मांग रखी। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो यहां पर जुड़ी हुई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए मैडम कि आप लोगों की मांग क्या है? सर, हमारी मांग यही है कि हम किलोमीटर पे हैं, हमारे ये किलोमीटर खत्म करिए जाए, हम कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रहना चाहते, हमें परमानेंट किया जाए क्योंकि हम परमानेंट के बराबर काम करते हैं, किलोमीटर हमारे दिमाग में रहते हैं, माइंड में रहते हैं और हम मतलब परेशान होके इतना सोच विचार करके हम गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी सड़क पे हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माइंड फ्रेश होकर हम गाड़ी चलाना चाहते हैं और हमारे किलोमीटर ख़त्म कर दिए जाएँ, हमें परमानेंट कर। सर, मेरा नाम नीतू है और मैं DTC में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हूँ, चालक हूँ। सर, हमारी डिमांड यही है कि भाई एक तो हमें स्टार्टिंग में ये वादा किया गया था कि हमें अपने घर से 15 किलोमीटर में ड्यूटी देंगे, लेकिन सर आज हमें यहाँ पहुँचने में दो दो ढाई ढाई घंटे लग रहे हैं। यहाँ पे एक पिंक डिपो के नाम से एक छोटा सा इशू बना दिया गया, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया गया, हवाई दावे थे, हवाई फायर था। यहाँ पे लेडीज के नाम पे सिर्फ और सिर्फ चालक और परिचालक है, सिर्फ राजनीति का मुद्दा बनाया, ओनली ये पिंक डिपो के नाम पे उन्होंने वाह वाह लूटनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर इसमें। आप लोग किस रूट पर आप चलती थी? रूट तो मेरा करोलबाग से गुड़गांव था, बहुत सारे ऑफिस के बंदे भी जाते थे, आज हमें उनके लिए तकलीफ हो रही है। हाँ, वो आज परेशान हो रहे हैं, पर हमारी परेशानी कितने सालों से चली आ रही है सैलरी को लेकर, और उनकी परेशानी एक दो दिन की। अगर सरकार आ जाए, हमसे बात करे, हमसे मिले, हम यहाँ पे सर्दी में कम्बल भी नहीं है, गद्दे भी नहीं है, रजाई भी नहीं है, ठीक है, वैसे ही 3 रातें हम यहाँ पे गुजार चुके हैं, 3 रातें गुजार चुके हैं, हमारी कई लड़कियाँ बीमार भी हो चुकी हैं। तो मेरी सरकार से यही अनुरोध है, वो हमसे आए, मिले, एक बार बातचीत करें, हमारी बस इतनी सी मांग है कि हमें पक्का कर दिया जाए बस। सर, मेरा नाम आरती है और मैं ड्राइवर हूँ, और सर हमारी भी यही विनती है कि हमें पक्का किया जाए और पक्का करने के बाद हमारी जो डिमांड है वो पूरी करी जाए, और कोई विनती नहीं। और अगर हमारा रातों रात सरोजनी नगर डिपो बन सकता है, हमारे ट्रांसफर हो सकते हैं, तो सर ये भी काम हो सकता है। मैं भी एक बात बोलूँ, मेरा नाम लता राठौर है, मैं भी चालक हूँ। सर, ये हमारी धरना तोड़ने के लिए हम सबको धमकी दी गई है कि तुम्हारे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, सारी जितनी भी हम धरना दे रहे हैं, हमें ये धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग टर्मिनेट कर किए जा रहे हैं। अभी हमारी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है, हम चाहेंगे तो इनके खिलाफ हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है सर, बट इस तरह से ये धमकी दिए जा रहे हैं हम कि टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। सर, मेरा नाम आशु है, मैं बदरपुर से नोएडा फेस टू की गाड़ी चलाती हूँ। हम चाहते हैं कि हमारी मांगे ही हैं सिर्फ कि हम 3-4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं हमें पक्का कर दिया जाए, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, और हम चाहते हैं हमारा किलोमीटर हटा के एक सैलरी दे दी जाए हमारे को, क्योंकि हम किलोमीटर पे गाड़ी नहीं चला पा रहे, प्रेशर है हमारे पास। आप लोग 15 साल से ये मांग कर रहे हैं और अचानक से ये फिर मांग तुरंत शुरू हो गई, इसके पीछे 2.5 साल से ही है, जो हमारे और भी भाई है और जैसे ये कंडक्टर है हमारी, ये सब भी 15 साल से ही है इनकी। अच्छा, भी कुछ लोग, आपका नाम क्या है? ललिता। अच्छा ललिता जी, आप लोगों की डिमांड क्या है? सर, सेम डिमांड सबकी वही है, सबकी सेम वही डिमांड है जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया, समान काम समान वेतन, तो ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? इन लोगों को देना चाहिए ना, भाई दिल्ली सरकार क्यों नहीं दे रही? जब ऑर्डर हो चुके हैं तो वो चीज़ तो हमें दे सकते हैं, जब रातों रात ट्रांसफर हो रहे हैं, डिपो चेंज हो रहे हैं, तो ये काम क्यों नहीं हो सकता? ऑन टेबल सारे काम हो सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता? इस चीज़ हम तो खाली वही बोल रहे हैं ना, 60 साल की 60 चीज जॉब चीज। तो साफ तौर पर जो मांग है वो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर है उन्हें परमानेंट किया जाए, और आपको बता दें कि एक आंकड़े के तहत तकरीबन 28,000 DTC के कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं, और अगर कंडक्टर या ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर 80% और कंडक्टर तकरीबन 100% कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, और उसमें से आपने देखा कि किस तरह से महिलाएं भी एक बड़ी संख्या में हैं। तो साफ तौर पर है ये प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ इस पूरे मसले में होता है, लेकिन इतना जरूर है कि आपके विधायक कुलदीप कुमार यहाँ पहुंचे हुए थे, बाकायदा उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जो है इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, और साफ तौर पर अब ये जो महिलाएं हैं अपने मांगों पर लगातार डटी हुई हैं।
राजधानी की दिल्ली मेट्रो को लाइफ लाइन तो जरूर कहा जाता है, लेकिन दिल्ली के वो इलाके जो कि दिल्ली से काफी दूर, यानी दिल्ली देहात, बॉर्डर, गुरुग्राम और वो इलाका जहां तक मेट्रो की भी पहुंच नहीं है, डीटीसी वहां तक ले जाने का काम करती है, लेकिन पैसेंजर्स को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बसेस चलाते हैं वो ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और वो तमाम एम्प्लॉय पिछले 4 दिनों से यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरोजनी नगर बस डिपो के पास ये अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। और सबसे खास बात यही है कि 4th दिन है आज स्ट्राइक का, बावजूद इसके अभी तक कुछ ऐसा कॉन्क्रीट निकल कर नहीं सामने आ रहा जिससे कि इनकी मांगे पूरी मानी जा सकें और ये स्ट्राइक को खत्म कर सकें। तो मनोज शर्मा मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। मनोज, डीटीसी के जो तमाम ड्राइवर्स हैं, इन साथियों के हवाले से आपकी मुख्य मांग क्या क्या है? जी, मुख्य मांग हमारी बहुत सालों से लंबित तो है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। हमारी मुख्य मांग है समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए हमें। हमारे डीटीसी के बेड़े में डीटीसी की बसें आनी चाहिए। जो आज प्राइवेट लालों की बसें आ रही हैं वो नहीं आनी चाहिए। डीटीसी का निजीकरण बंद होना चाहिए। लगातार इलेक्ट्रिक डिपो बनते जा रहे हैं, उनमें प्राइवेट ड्राइवर रखे जा रहे हैं, पर हमारे जो अनुभवी ड्राइवर हैं वो कहाँ जाएंगे जो 20-25 सालों से नौकरी कर रहे हैं। समान काम का समान वेतन, सुमित राणा, 15 साल पुरानी मांग, अभी क्यों लगता है कि ये स्ट्राइक करने का वक्त है और अभी ये मांग मान ली जा सकती है या कुछ इसमें हो सकता है? जी, सबसे पहले तो आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पहुँचे। जी, ये मांगे हमारी पिछले 15-20 सालों में जो भाई हमारे मेरी उम्र में लगे थे, आज वो रिटायरमेंट भी हो गए, कॉन्ट्रैक्ट पे ही रिटायर हो गए। ये हमारी मांग बिल्कुल जायज रही है और सरकार की जो कटु नीतियां हैं उन्होंने हमारी कभी मांग पूरी नहीं करी। और हमारे इतने धरने प्रदर्शन हुए, इतने धरने प्रदर्शन हुए शांतिप्रिय, 24 घंटे का, 12 घंटे का, कभी भी इन्होंने हमारी इतनी भी बात नहीं सुनी। यूनियन के पदाधिकारियों को आप सुन रहे थे जरा, जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका शुभ नाम बताइए। सर प्रदीप। प्रदीप, आप कहाँ से कहाँ चलते? सर मैं रोहिणी सेक्टर 37 में हूँ, स्पेयर में हूँ अभी। तो हमारी मुख्य मांगे हैं कि समान काम का समान वेतन और 60 साल सिक्योरिटी, रोजगार की गारंटी। सर, सिक्योरिटी और समान काम का समान वेतन जी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सरोजनी नगर बस डिपो के पास जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपका शुभ नाम बताइए। नरेंद्र कौशिक। आपका रूट क्या है? मेरा रूट बवाने से, सेक्टर 5। अब बवाना लोग कैसे जा रहे होंगे? फिर बस से जाते सर। अभी तो स्ट्राइक चली हुई है। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी बहनें बैठी हैं, हम उनके साथ हैं। जब तक वो बैठी हैं हम उनके साथ रहेंगे। जब वो कहेंगे जी यहाँ से उठो, जब भी उठेंगे, नारी शक्ति, नारी शक्ति, बहन तुम आगे बढ़ो, बहन तुम आगे बढ़ो। आपने देखा कि दरअसल सखी डिपो के उद्घाटन के वक्त ही तमाम जो डीटीसी की महिला कंडक्टर ड्राइवर्स हैं उन्होंने मांग उठाई कि उन्हें परमानेंट किया जाए। उन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दी और उसके बाद से आज पुरुष साथियों का साथ पाकर अब एक बड़े आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। लेकिन आंकड़ों में अगर आप जाएंगे तो 28,000 के करीब ये डीटीसी हैं, कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, जिसमें से तकरीबन 80% जो ड्राइवर्स हैं वो परमानेंट नहीं है और साथ ही साथ 100% जो कंडक्टर हैं वो भी परमानेंट नहीं है। तो अब देखना ये है कि जब ग्रैब 3 लागू है और ग्रैब 4 भी लागू हो चुका है, इन सब के बीच जब तमाम जो दूसरे राज्यों की BS4 की बसें भी प्रतिबंधित हैं, तब दिल्ली के बॉर्डर एरियाज में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और तमाम जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जहां पर DTC देती थी वहां पर लोगों को जाने में काफी दिक्कत और परेशानी होगी। तो अमूमन 15 साल पुरानी मांगों को एक बार फिर से नई ऊर्जा उत्साह के साथ उठाते हुए ये DTC के तमाम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से सफदरजंग हॉस्पिटल का जो बस स्टॉप है वहां पर लोगों की भीड़ यहां पर बहुत ज्यादा लगी हुई है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप साफ तौर पर देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं DTC के, उनकी स्ट्राइक चल रही है। यही वजह है कि किसी को बदरपुर जाना है, किसी को गुड़गांव, और उसके लिए जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है DTC वो यहां पर नहीं मिल रही है। आप कहां से कहां जाना है? मुझे यहां से मूलचंद जाना है। कहां पर? मूलचंद। मूलचंद बस नहीं मिल रही? नहीं मिल रही सर, 1 घंटे हो गया। नाम क्या आपका? धर्मेंद्र यादव। अस्पताल में आए हुए थे? जी। कब से आप इंतजार कर रहे हैं? मुझे कम से कम 2 घंटे हो गए हैं। मुझे बदरपुर जाना है, एक भी बस नहीं आ रही है। इतना परेशान हो चुका हूँ मैं, खड़े खड़े पैरों में दर्द भी होने लग गया है अब तो। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे MBBS स्टूडेंट हूँ सफदरजंग में। शुभ नाम
नाम क्या आपका? सनी गोयल, डॉक्टर सनी गोयल। सनी गोयल, तो आप देख रहे हैं कि आप देखिए मैडम कब से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? एक घंटा से कर रहे हैं, दो घंटा से। खानपुर जाना है। नाम क्या आपका? नूर खातून। यहाँ के अस्पताल में आए जी दिखाने के लिए। जो लोगों का रेला है वो यहाँ पर लगा हुआ है, आपको कहाँ जाना है? हमें नोएडा जाना है सर, बस के बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, बस नहीं आ रही है। 11 बजे से इंतजार कर रहे हैं, 2 बजने वाली है। एम्स में आए थे दिखाने के लिए सफदरजन में बच्ची के, बसें नहीं आ रही है जी। सरकार से अपील करना चाहिए कि बस जल्दी से आवे, टाइम से पैसेंजर को परेशानी हो रहा, बस जल्दी से पहुंचे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए कि एक बस थोड़ी ट्रैफिक में इस वक्त है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बसों का इंतजार करने के लिए लोग खड़े हुए हैं, ये पूरा का पूरा जो रेला है अब आगे की तरफ बढ़ रहा है ताकि एक बस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग समा जाएं। लेकिन साफ है कि स्ट्राइक की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमांशु शर्मा के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।